ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो युवकों पर लगाए गए केस के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवकों पर डकैती की धारा लगाना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के है ही नहीं और यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरे संज्ञान में यह बात आई है और यह सही है कि युवकों का तरीका गलत था, लेकिन मंशा ठीक थी। परिस्थितियों को देखते हुए जांच के पश्चात न्यायपूर्ण कार्रवाई किया जाने चाहिए, यही उचित होगा। ग्वालियर की घटना जिसमें बच्चे वाइस चांसलर को अटैक आया था, तो वो गाड़ी ले जा करके उनने उनको एडमिट कराने का प्रयास किया। मेरी नॉलेज में ये घटना आई है और ये मानवीय दृष्टि से भी बहुत उचित था, लेकिन उनका तरीका गलत था। लेकिन फिर भी मैंने डीजी से बात की है और डीजी से कहा कि ऐसी घटना में जब कोई बात आती है तो डकैती की धारा लगाना ये बहुत गलत है, और आगे से इस तरह की घटनाओं पे जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाए और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, तब तक किसी पे डकैती नहीं लगना चाहिए। योग्य प्रकार की जानकारी के बाद ही होना चाहिए, और इस पूरी घटना के लिए सीआईडी जांच के लिए भी मैंने आदेश दिए हैं, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम इनको जल्द से जल्द क्या मदद कर सकते हैं, जितना एक तरह से ये मानवीय संवेदनाओं का मामला है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर कोई घटना घटती है तो उसमें कोई कायमी कराने वाले पक्ष भी थोड़ा मानवीय भाव से सोच के चले।